पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश राजभर अक्सर खबरों में बने रहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जहूराबाद विधायक से जुड़ी खबरें आपको हमेशा दिखती हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, लेकिन इस बार विधायक खुद मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान का बताया जा रहा है। विधायक राजभर पर आरोप लगा है कि उन्होंने चौपाल लगा न केवल लॉकडाउन तोड़ा बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आइए सबसे पहले आपको उस वीडियो की एक झलक दिखाते हैं जो वायरल हो रहा है। जितना ओकर रुपया माफ भेल है उतना रुपया खाली हम दे दे तो एक एक करोड़ रुपया कर जाने के घर में भेजो खाते। लेकिन अब स्थिति रुपया तो है, रुपया तो माफ कर दिया, 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया उद्योगपतियों का मोदी ने। लेकिन सब खूब चिल्लात रहे कि मोदिया जैसा नेता हो भले वाला वोट ना मोदिया के, बहुत चिल्लात रहा सब लोग। एक रे कि नहीं झूठ बोला वाला ऐसा वोट तो बेईमान तो दगाबाज कोई नेता है धरती पर ना। ये बदे रुपया देखा अलग से फंड बनौले बा करोड़ों रुपया आयल बा, लेकिन वो रुपया पता नहीं का करी। अभी आपने जो सुना और देखा वो वायरल वीडियो का एक हिस्सा था। फिलहाल स्थिति यह है कि इस मामले में गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। अब ओम प्रकाश राजभर के इस वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष विनीत कुमार तिवारी ने पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने पूर्व मंत्री पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना का आरोप लगाया है, साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग भी की है। आइए सुनते हैं कि जदयू जिलाध्यक्ष का इस मामले पर क्या कहना है। आज जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें वो COVID-19 के इस आपदा में एक गांव में चौपाल लगाए हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। वह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व प्रधानमंत्री पर बहुत ही बेबुनियाद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाना बुरी बात नहीं, लेकिन ये आरोप प्रमाण के साथ मीडिया के समक्ष लगाना ठीक होता है। दूसरी बात, मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस वीडियो की प्रामाणिकता की सत्यता से जांच करा ली जाए। यदि ये वीडियो कोरोना काल में बनाया गया है और माननीय मंत्री जी द्वारा ये कार्य किया गया है तो इस पे तत्काल दंडात्मक कार्यवाही करते हुए इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, जिससे कि आम जनमानस का कानून पे भरोसा कायम हो और ये संदेश जाए कि कानून से ऊपर और बड़ा कोई नहीं, जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही कानून करेगा। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। SP ने इस मामले में बयान दिया है। ये लॉकडाउन के समय की बात है, ये तत्समय करीमुद्दीनपुर थाने में ये प्रकाश में आने पर इसमें मामला दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की गई है। ये पहले की बात है, इस समय कोई बात नहीं है। पहले जब जिस समय ये प्रकाश में आया था तो करीमुद्दीनपुर में इसको रजिस्टर किया गया था और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है इस पर। इसके अलावा थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री ने 6 मई को करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ चौपाल लगाई थी। उनके मुताबिक मामला सामने आते ही पूर्व मंत्री और उनके समर्थकों पर लॉकडाउन उल्लंघन में कार्रवाई की गई है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।